न्यूज तक अब नए अंदाज में। कुछ समय पहले हम आपके लिए एक खबर लेकर आए थे, जहां हमने आपको बताया था कि कैसे असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आबादी को नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में हैं। लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट जो अब सामने आई है, उसके मुताबिक देश को ऐसे किसी भी कानून की शायद जरूरत ना पड़े। क्यों? दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS के आंकड़ों में सामने आया है कि देश में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश का फर्टिलिटी रेट 2.2 से घटकर 2 हो गया है, यानी कि एक महिला अपने जीवन काल में केवल 2 बच्चों को पैदा कर रही है। दरअसल फर्टिलिटी रेट 2 करने का ही सरकार का लक्ष्य रहा है, लेकिन दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में ये हुआ कैसे, और क्या सरकार अभी जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए ऐसा कोई कानून लेकर आएगी, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के फर्टिलिटी रेट यानी कि बच्चा पैदा करने की दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ तक कि ये ऐसी स्थिति आ गई है कि जितनी लोगों की मौत हो रही है उसके मुकाबले अगली पीढ़ी में उतने बच्चे तक पैदा नहीं हो रहे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में फर्टिलिटी रेट 1.6 है और पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में ये दर 2.1 है, यानी कि शहरी परिवारों में यानी कि अर्बन पॉपुलेशन में हर महिला 2 या सिर्फ 1 बच्चे को ही जन्म दे रही है और ग्रामीण इलाकों में एक महिला 2 या 3 बच्चों को ही जन्म दे रही है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने 1990 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो हम दो हमारे दो का लक्ष्य रखा था वो साकार हो गया है। हालांकि अभी भी सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट 2 से ज्यादा है, जिसमें कि बिहार, मेघालय, झारखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन प्रजनन दर इन राज्यों में भी देश के औसत से बहुत ज्यादा नहीं है। ये सर्वे ऐसे वक्त में आया है जब देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए असम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कानून बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि 2 से ज्यादा बच्चे करने वाले परिवारों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को भी ना देने का सरकार मन बना रही है। हालांकि अब जो फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी गई है उसकी वजह खास तौर पर शहरी महिलाएं हैं। क्यों? दरअसल इसके कई कारण अभी तक एक्सपर्ट बता रहे हैं, जैसे कि महिलाओं का नौकरी करना, उनकी फैमिली प्लानिंग में हिस्सा लेना, फर्टिलिटी रेट का कम होना और शादी की उम्र का अब ज्यादा होना। इसी सर्वे में एक और महत्वपूर्ण बात पता चली है, वो है कि देश में अब गर्भ निरोधक का पहले की तुलना में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लगभग देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो शायद कभी भी कानून की शक्ल अब ना ले। लेकिन फर्टिलिटी रेट को लेकर जो हाल ही के ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।